अच्छा, जैसे आपने इंस्टीट्यूशन चलो के टकराव की बात की, और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको हम समझ रहे थे कि वो शायद संभल जाएगा चेंज ऑफ कमांड के बाद, लेकिन ऐसा अभी तक मुमकिन हो नहीं पाया। काजी फाइजी साहब के लिए जिस तरह की भी मुश्किल हैं वो सबके सामने, एक पार्टी उन्हें बांगे दोहल कह रही है कि आप हमारे केसेस में ना बैठे, कॉन्ट्रोवर्शियल इससे अताबदयाल सा भी रहे और आप काजी फाइजी साहब भी हैं। लेकिन मीन वाइल जो एडवॉक जजेस की तैनाती के हवाले से सिर्फ सब इशू सामने आ रहा है, ये तैनाती क्या सुप्रीम कोर्ट में जेरे इल्तवा केसेस के लिए है या किसी और मकसद के लिए? नहीं आयशा, नजर आ रहा है ना, दो तीन चीजें सही भी हैं और नहीं भी सही। सही ये है, पहली बात इसका ताल्लुक जो है ये एडहॉक जजेस को लेने का यही है कि जाहिर है कि एक साइड जो इस वक्त कमजोर है, जो हुकूमत की तरफ टिल्ट कर रही है या इस भाई लोगों की तरफ टिल्ट कर रही है या खान साहब के खिलाफ या हक में नहीं है, उस साइड को स्ट्रॉन्ग किया जाए। बिकॉज ये आखिरी जजमेंट के अंदर तो वो साइड कमजोर हो गई है ना, ज्यादा मेजोरिटी दूसरी तरफ चली गई है। तो इसलिए जाहिर है कि अगर एडहॉक जजेस होंगे और उनको भी बेंचेस में बैठाया जाएगा तो जाहिर है कि अगर चार नए एडहॉक जजेस आने हैं तो दो तीन तो उनमें से या मेजोरिटी उनमें से जो है वो विल साइड विद द चीफ जस्टिस, ये तो क्लियर है। तो जाहिर अच्छा है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये केस ये किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी सही है जो कि इलेक्शन कमीशन कह रही है और जो गवर्नमेंट कह रही है वो अपनी जगह पे बात सही है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सिवाय सियासी केसेस के और क्या किया है। हजारों केसेस जी, पड़े हुए हैं ऑफ अदर कमर्शियल नेचर एंड अदर डिस्प्यूट्स जो उल्की भी हैं, लाखों। बिकॉज सारे जजेस जजेस राज जो है वो देर ऑल इन्वॉल्व इन दीज पोलिटिकल केसेस, और भी बड़ी वन साइडेड किस्म जी केसेस चल रहे हैं। जी तो मैं ये समझता हूँ कि वो मामला भी तो है, तो गवर्नमेंट के पास एक्सक्यूज तो बड़ा अच्छा है कि वी नीड टू एड मोर जजेस ताकि बाकी बैकलॉग जो है वो भी क्लियर हो ना। यही है जो इलेक्शन कमीशन जी भी तो यही कह रही है ना, वो कह रही है कि हमें भी जो रिटायर्ड जजेस लेने हैं वो इसीलिए लेने हैं बिकॉज ये अगर ये जो आजकल की जो जुडिशरी है वो ये तो सारे सियासी केसेस में 100% ऑक्यूपाइड है, सारा वक्त यही है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जी, हाई कोर्ट में चैलेंज हाई कोर्ट डिवीजन बेंच, फिर उधर चले जाओ फिर इधर आ जाओ, यही चल रहा चल रहा है। तो अगर ऐसे है तो बाकी चीजें कैसे हाल होंगी। तो इसलिए उन्होंने ये कहा जी कि और रिटायर्ड जजेस ले लिए जाए तो दे हैव अ गुड आर्ग्यूमेंट, मगर वो अपनी जगह पे आर्ग्यूमेंट। बात यह है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन, हकीकत यह है कि दे हैव डिसाइडेड कि हमें अपनी वो जजेस हमारे पास होने चाहिए जो हमारी बात भी सुने और हमें सिंपथेटिक हियरिंग दें। इस वक्त अच्छा पॉपुलिज्म की वजह से एक पूरी टिल्ट एक पूरी हवा जो है वो और किसी और तरफ चल रही है, और पॉपुलिज्म और जस्टिस ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मौजू है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए किसी वक्त, आज तो नहीं, कि भाई क्या पॉपुलिज्म जो है उसका जमहूरियत के साथ क्या ताल्लुक है, क्या पॉपुलिज्म का फासिज्म के साथ क्या ताल्लुक है, पॉपुलिज्म का डिक्टेटरशिप के साथ क्या ताल्लुक है, पॉपुलिज्म का लिबरलिज्म के साथ क्या ताल्लुक है, किस किस्म की पॉपुलिज्म होती हैं, तारीख में पॉपुलिज्म के जरिए किस किस्म की हुकूमतें आई और उन्होंने क्या क्या किया, और खान साहब जिस किस्म की पॉपुलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं वो अगर पावर में फिर आ जाती है तो इम्कान क्या है, किस किस्म की हुकूमत मिलेगी, किस किस्म की मईशत मिलेगी, क्या होगा। तो ये सारे इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी क्योंकि इस वक्त इमरान खान बड़ा पॉपुलर है और पॉपुलिज्म चल रही है तो ये जमहूरियत का तकाजा है कि इन्हीं को सपोर्ट किया जाए, दैट्स नॉट इट डजंट ऑटोमेटिकली फॉलो। तो इसलिए ये सारे बात जो है ये डिस्कस करनी चाहिए, बिकॉज इस वक्त बाहर जो डिस्कशन होती है मैंने देखा है वो यही है कि जी अवाम पाकिस्तान इमरान खान के साथ है तो बस सब अवाम की बात सुनी जाए और इमरान के हाथ जो है वो पावर दे दी जाए और डजंट मैटर वो क्या करेगा उसके साथ या क्या होगा। या देखिए जमात इस्लामी और इस्लामी जमातें ये जमहूरियत के तकाजे जो है ये जमहूरियत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमेशा उसको इस्तेमाल करके और एक इस्लामिक डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं और ओपनली कहते हैं इलेक्शन के जरिए दिस इज अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ गेटिंग टू पावर, दे विल यूज अ डेमोक्रेटिक वे टू कम इन टू पावर एंड देन डिसमेंटल डेमोक्रेसी। यही डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी तो इसी किस्म की बातें वहां कर रहे हैं ना, इसी किस्म की बातें फ्रांस में हो रही है, लोपेन जो है वो भी इसी किस्म की बातें कर रही है, टू यूज डेमोक्रेसी टू कर्टेल डेमोक्रेटिक राइट्स। लैटिन अमेरिका के अंदर बहुत से हमने देखा है इसी किस्म की पॉपुलिज्म, कोई लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म होती है, कोई राइट विंग पॉपुलिज्म होती है, डेमोक्रेटिक पॉपुलिज्म बड़ी कम होती है बट लेफ्ट विंग राइट विंग होती है, और वो लेफ्ट विंग भी बड़ी एक्सट्रीमिज्म की तरफ चली जाती है, राइट विंग भी बड़ी एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि
देयर इज अ केस टू बी मेड अगेंस्ट पॉपुलिज्म, बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ दिस इज द सेकेंड टाइम कि पॉपुलिज्म का दौर आया है. एक जुल्फिकार अली भुट्टो और मुजीब रहमान के जमाने में आया, और अब उसके बाद इमरान खान के जमाने में आया. दरमियान में थोड़ा बहुत नवाज शरीफ साहब के लिए भी इसी किस्म की कोई थोड़ी बहुत लहर चली थी, मगर वो इस किस्म की नहीं थी, इतनी शदीद और इस किस्म की गुस्से वाली लहर नहीं थी जो आज आप देख रहे हैं. आज ऐसे लगता है कि पॉपुलिज्म इज एसेंशियल एलिमेंट एक जमहूरियत का और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट का. इसमें मैं समझता हूँ कि अभी इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि क्या ये एक जमहूरियत का उभरना है, और या क्या है अगर कल आके इमरान खान साहब और भी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड करते हैं, सबको जेलों में डाल देते हैं, प्रेस के ऊपर और पाबंदियां लगा देते हैं, और जमहूरियत के जो तकाजे हैं उनको इग्नोर करते हैं या खत्म कर देते हैं. आपने देखा था उनकी जो एटीट्यूड थी, इवन व्हेन ही वाज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब था तो उनकी पार्टी ने बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें की हैं. उन्होंने देखा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, कहते नहीं जाते बाहर, तो मतलब है कि इस किस्म की मतलब है उन्होंने. तो ये देखने वाली बात है कि तारीख में पॉपुलिज्म कहाँ ले जाती है या ले गई है, और क्या आगे जाने के क्या इम्कान है. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिर साहब, जो एनालिसिस आपने दिया, ये केस स्टडी है सोशल साइंटिस्ट के लिए कि वाकई इस पे दुनिया पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं. नतीजतन हम अमेरिका में भी पॉपुलिज्म की शदीद लहर देख रहे हैं, और इसी तरह हमने पाकिस्तान में भी देखी. इस तरह के मामलात में जो कैटलिस्ट का किरदार अदा करता है वो है इंसाफ का इदारा, यानी सुप्रीम कोर्ट. हमने अमेरिका में भी देखा कैसे फैसले आए, और उसके बाद अब पाकिस्तान में भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम कितनी वाजे तौर पर दिखाई दी पॉपुलिज्म की वजह से. हमने सुप्रीम कोर्ट को भी मुनकसिम देखा. सवाल एडहॉक जजेस की तैनाती का इसलिए उलझा हुआ है कि चार तैनात करने हैं, उसमें से दो इनकार कर चुके हैं. आपके ख्याल में क्या काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कामयाब हो पाएंगे एडहॉक जजेस की तैनाती में? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज याद दिलाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस मौजू पे आता हूँ. उसका तल्लुक इसी के साथ है. पिछली दफा जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो कुछ जजेस को लाना था सुप्रीम कोर्ट में, और वहां झगड़े शुरू हो गए कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा. और फिर मेरा ख्याल है एक कॉम्प्रोमाइज हुई. उस वक्त की हुकूमत जो थी वो डरती थी कि बंदयाल साहब कोई ऐसा अनाउंसमेंट ना कर दें जिसके साथ और बड़े सीरियस मसले बन जाएं, कोई स्ट्राइक डाउन ना कर दें कोई चीज, या कोई नई जजमेंट हमारे खिलाफ ना दे दें. तो फिर और बंदयाल साहब चाहते थे दो यंग जजेस को लाना इनटू द सुप्रीम कोर्ट, और गवर्नमेंट अपोज कर रही थी. और उस वक्त तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का हाथ भारी था, दे हैड मोर वोट्स एंड बंदयाल साहब के पास इतने वोट्स नहीं थे. मगर बंदयाल साहब से इनको डर था कि ये ठीक है ये हार जाएंगे, मगर ये जाते जाते कुछ और ना कर दे, चाकू ना घोंप दे. तो फिर इन्होंने डर के मारे कॉम्प्रोमाइज कर ली, और दो जजेस उस वक्त इंडक्ट किए गए बंदयाल साहब के कहने पे, रिजवी साहब और शायद वहीद साहब. ये एक कॉम्प्रोमाइज थी इसके आउट ऑफ दोज हु वर टेकन इनटू द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग बंदयाल टाइम लास्ट ईयर. तो अब बात यह है कि ये जो जजमेंट आई है आप खुद ही देख लें कि ये इन दो जज हजरात ने किस तरह वोट डाला है. तो आज हुकूमत को सोचना चाहिए कि जब ये इस किस्म की कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं तो फिर वो शॉर्ट टर्म में तो आप बच जाते हैं, लॉन्ग टर्म में फिर भी गला घोंप दिया जाता है. अब उसी किस्म की सिचुएशन अब यहाँ हुई है कि अब ये एड हॉक जजेस ले लिए जा रहे हैं, और आपको भी और मकसद यही है कि बैलेंस किया जाए, ये नहीं कि सारे जो है वो हुकूमत के हक में वाले हो, नहीं बैलेंस किया जाए जस्टिस इंसाफ के तकाजे और ऑल्सो जो सियासी रिक्वायरमेंट्स हैं. हर जज की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो इस वक्त जो है ना ऐसे हुआ है सारा सुप्रीम कोर्ट, आठ लोग इधर हो गए और पांच इधर है. तो अब बात यह है कि इसको बैलेंस करने के लिए या कोई और थोड़ी बहुत instead of politics in command, justice in command या constitution in command की बात भी हो रही है. तो उसमें अभी ये लोग जो लाना चाह रहे थे उसमें से दो ने तो ऑलरेडी ना कर दी, दो शायद आ जाए. मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी कॉम्प्रोमाइज होगी और कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब. एक तरफ मंसूर अली शाह साहब हैं जो कि अब अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि अब आगे आगे जो जजेस होंगे
वो उनका क्या रवैया होगा, क्योंकि मंसूर अली शाह इंडिपेंडेंट किस्म के शख्स हैं, वो या ज्यादा ना इधर झुकेंगे ना उधर झुकेंगे, ही विल ट्राई टू स्टीयर जुडिशियल कोर्स। तो ये सारी चीजें अब बैठ के कॉम्प्रोमाइज होगी। ये नहीं होगा कि चार के चार जो जो गवर्नमेंट चाहती है वो आ जाएंगे, ये नहीं होगा कि जो चार के चार जो काजी फैजी साहब कहेंगे वो आ जाएंगे। इसमें मंसूर अली शाह की भी बात सुननी पड़ेगी, याह्या साहब की भी बात सुननी पड़ेगी, मुनीब अख्तर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कॉम्प्रोमाइज होगा, तो ये चार आ तो जाएंगे मगर कॉम्प्रोमाइज होगा। वो किस किस्म का कॉम्प्रोमाइज होता है, कुछ तो होगा ही ना। हाँ, कुछ कॉम्प्रोमाइज से पहले होगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज के बाद होगा। जुडिशियल कमीशन का इजलास होगा, उसके बाद जुडिशियल काउंसिल में चैलेंज किया जाएगा, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कहना है। लेकिन जुडिशियल कमीशन के इजलास में क्या फैसले होते हैं, ये अपॉइंटमेंट्स हो पाती है नहीं, एनालिसिस आपके सामने है कि सिचुएशन क्या रहेगी।